नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निजी और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून की कमी नहीं है। अकेले सख्त कानून से न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है, सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। बीजेपी ने इस मौके पर 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक स्पेशल बुकलेट जारी की है। पीएम मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन ये चुनावी नतीजों से पहले ही लगातार 100 दिनों के एजेंडे को लेकर बैठकें हो रहे थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया है कि आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आप नेता आतिशी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा है। सभी विधायकों ने खड़े होकर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर काबिज हो चुकी हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने गोष्ठी का आयोजन कर इसके खिलाफ चिंता जाहिर कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। रविवार को नगर में हुए गोष्ठी कार्यक्रम में ऑल इंडिया मेल काउंसिल, मसूरी यूथ फेडरेशन, नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम यूथ कन्वेंशन के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बुलंदशहर के चारा तहसील में माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है, ना तो उन्हें तहसील प्रशासन का डर है, ना ही जिला प्रशासन का। हद तो तब हो गई जब दिन और रात में लकड़ी माफियाओं, मिट्टी माफियाओं के वाहन खुलेआम सड़कों पर दौड़ते नजर आए, लेकिन प्रशासन को ये दिखाई ना दिया। दोनों विभागों के अधिकारी से पूछने पर ये जवाब आता है कि केवल एक ही तरफ से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, कोई जानकारी अगर लगेगी तो पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर बाबा का बुलडोजर और बाबा की कार्रवाई कहाँ है? गणपति विसर्जन 17 सितंबर यानी आज मनाया जाना है, जिसके चलते 17 सितंबर को 12 बजे से लेकर 24 घंटे के लिए यातायात मार्ग का डायवर्जन किया गया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में यानी कि मेरठ, हापुड़ से आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को भूट चौराहे से अडौली तराहे पर जाते हुए दिल्ली गाजियाबाद से आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 51 का प्रयोग करना होगा। वहीं आगरा और अलीगढ़ जाने के लिए भी रूट डायवर्जन रहेगा। केजरीवाल के सार्वजनिक मंच से इस्तीफा देने के बाद से ये ऐलान किया गया कि आज शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे। एलजी सचिवालय में केजरीवाल एलजी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा कब देंगे। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नए प्रधानमंत्री के लिए भी मुहर लगा दी है। आगरा के ताजमहल में जलाभिषेक पूजा अर्चना की मांग की गई थी, जिसके बाद आगरा लगवाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई, लेकिन एएसआई की अपील खारिज कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने का आदेश भी दे दिया है। इसी के साथ अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। इंदौर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंकों के खातों से धोखाधड़ी की जानकारी और ट्रांजैक्शन साथियों के लिए अब आसानी हो गया है। आपको बता दें कि नौकरी देने के बहाने एक पीड़ित को झांसे में फंसाया, उसके बाद उसके बैंक से सारी डिटेल निकाली, यूपीआई चालू करके ट्रांजैक्शन किया, जिसके बाद पीड़ित को जब जानकारी हुई तो पीड़ित ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। बाद में सर्विलांस की टीम ने गिरफ्तारी कर आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।